नहीं पता नहीं मेरे दोस्तों की कैसे शादी जा रही है भाई। मुझसे मेरा दोस्त पूछता है कि भाई बार में जाके आस्काउट कैसे करें। मैंने बोला कि तू बार में जाके बंदी से ड्रिंक्स के लिए पूछ लेना। तो बार में जाके बंदी से कह रहा है हाय कैन यू बाय मी अ ड्रिंक। इसकी लव मैरिज हो गई है सर। मैंने पूछा कि भाभी आपको क्या पसंद आया इस लड़के में, तो कह रही है कि मेरे को भाई चूतिया लड़के बहुत पसंद है। बहुत टाइम से मैं खोज रही थी, कोई नहीं मिलता था, ये आया, मैं दहेज देने के लिए तैयार थी, ये वापस ना लौट जाए। ये अच्छे लोग लग रहे हैं मेरे को। आप लोग कोई ऐसा ड्रंक वगैरह आप में से कोई ऐसा लॉस्ट, क्या टर्म है आजकल भंड का इंग्लिश में, कोई, मैं अपनी सेफ्टी के लिए पूछता हूँ, कोई ड्रंक है तो बता दो, बस मेरे हाथ से माइक मत छीनना। मेरे साथ करते हैं लोग, तेरा भाई सुना देगा चुटकुला। मैं पता है बार में परफॉर्म कर रहा था यहाँ पे, और थर्ड रो से एक बंदा बीच परफॉर्मेंस में खड़ा होकर कहता है क्या अब हमारे चिंटू भाई परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, चिंटू भाई क्यों करेंगे। कह रहे चिंटू भाई ने तेरी बातें ना सुनी, अब उनको कह रही है तू नहीं सुनेगा। बहुत टफ करियर हो गया भाई मेरा। मैं एक जगह सही में परफॉर्म कर रहा था बार में, मेरी इस साइड पता है कि एक बंदा एकदम ड्रंक बैठा है, मुझे दिख रहा है ड्रंक, एकदम आंखें वाके झूम रही है उसकी। मैंने सोचा पूरा इग्नोर करता हूँ, इसको देखूंगा नहीं, मूड खराब होगा, यहाँ देख के परफॉर्म करूंगा। मैं सामने देख के परफॉर्म कर रहा हूँ, एकदम से बीच में कहता है कि भाई शालिनी चली गई। मैंने कहा क्या कह रहा है, हाँ, और मैं तेरी क्या बातें सुनते रह गया। इसमें आप बताइए मैं मेरी बातें कैसे क्या हो गई। मैंने कहा ठीक चली गई शालिनी। नहीं जाती मैं भेज देता हूँ शालिनी, इसके साथ तो मत घूमो यार, इसकी शालिनी उठ के बस वॉशरूम गई थी। लौंडे नशे में समझ नहीं पाते कहाँ जा रही हो, जा रही हो क्या तुम भी। लड़के भावुक से होते हैं कि पता नहीं चलता उनको, ब्रेकअप, अच्छा ब्रेकअप है ये। मेरे को लगा सामान लेने गई थी। आप में से कोई जॉइंट वगैरह फूकता है एनी चांस, उल्टा पूछना चाहिए मुझे पता है गुड़गांव में कोई ऐसा जॉइंट लवर। ओ ऐसा हाथ वाथ उठा रहे हो, कैमरा देखो। मेरी फेवरेट ऑडियंस है पता है, जो लोग जॉइंट फूक के आते हैं लोग घर से ही खुश आते हैं। कि आप अपना करते रहो भाई, आप पे ज़्यादा प्रेशर है नहीं। हम अपनी फ्रूटी चिप्स साथ लाएं, बाहर जाके दो फ्रूटी और पी लूँगा मैं, आप स्ट्रेस मत लेना। ये लोग हंस ही रहे हैं भाई, कभी यहाँ देख के हंस रहे हैं, फिर यहाँ देख के हंस रहे हैं, बीच बीच मेरे को देख के भी हंस रहे हैं। क्या अच्छा है भाई, मैं क्या अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, लाइटें अच्छी हैं, समाज अच्छा है, कह रहा मैं स्टफ अच्छा है भाई। आप अपने प्रेशर मत लेना। आप करते हो सर स्मोकअप, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, आप कभी भी किसी ऐसे इंसान के घर में जाओ जॉइंट वगैरह फूकता है, तो बिना कुछ पूछे कुछ नहीं खाना है। मुझे नहीं पता मार्केट में कौन कौन से एडिबल नशे आ गए हैं, मैंने ग्रीन टी मांगी वीट डिप के साथ दे रहा है, मशरूम मांगा पता नहीं कौन सा मशरूम, मुझे नहीं पता क्या क्या आ गया है। मैंने गलती क्या कर दी भाई, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं दोस्त के घर चला गया, किससे मिलते हुए जाता हूँ, मैंने फ्रिज खोली ब्राउनी रखी थी। अब मैं भोला आदमी लगा, बहुत दिन बाद मिल रहा है, डेजर्ट के लिए पूछ रहा होगा। मैंने पूरी ब्राउनी खा ली। कह रहा ब्रो तूने ब्राउनी खा ली। मैंने कहा हाँ। कह रहा अब तेरे को फन आ जाएगा। इसमें मैंने आधा तोला हैश मिलाया था। मैं पागल वागल है, मेरे को अभी ऑफिस जाके पीपीटी देनी है यार, ये सब छोड़ के मैं घर की लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ। कह रहा ब्रो क्या होगा। मैंने कहा ब्रो ये लाइट ऑफ नहीं हो रही है। कह रहा ब्रो ये सनलाइट है। ये ढाई दिन से मुझसे भी ऑफ नहीं हो पा रही है भाई, कुछ तो डिफेक्टिव सूरज निकल रहा है हमारे मोहल्ले में, चेक कराना पड़ेगा। आपको पता है मेन अंतर मुझे क्या लगता है ये स्टोनर्स और एल्कोहलिक्स में, आपने देखा है दारू पी के लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं कि तू भाई है अपना, मैं तेरे को बहुत मिस करता हूँ, तू बेस्ट आदमी है भाई। और गांजा फूक के लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई तू है कौन और तू मेरे घर में क्या कर रहा है 6 दिन से, ये कब स्टार्ट हुआ कि हम लोग फ्लैटमेट। मेरा एक दोस्त है भाई बहुत ज़्यादा नशे वशे करता है सर, मैंने उसको बोला कि आप विपासना केंद्र हो, विपासना केंद्र पता है आप लोगों को काफ़ी फैशन में भी आजकल, ये मेडिटेशन सेंटर है, मैं सब बुद्धिज्म आइडियोलॉजी ये लोग फॉलो करते हैं, एकदम फ्री का होता है 10 दिन का फ्री का मेडिटेशन। मैंने अपने दोस्त को भेजा कि थोड़ा मेडिटेशन कर गया ये सब नशे वशे छोड़ेगा। मेरा दोस्त जाके विपासना केंद्र में नशे में जाके कह रहा है कि भाई साहब मेरा थोड़ा 10 दिन के लिए विपाशा करवा दीजिए। ऐसा फ्री वाला नहीं है, पैसे लाया हूँ मैं। वो बुद्धि नींद से उठ के चाकू मारा है इसको। यहाँ पे रैकेट चला रहे हैं हम लोग। हमें तिब्बत से भेजा गया था कि कल्चर फैलाना, ये साले खाली स्पा खुलवा दे रहे हैं। ये कौन से कल्चर में आ गए।
गुड़गांव सेफ जगह नहीं है भाई, आपने देखा यहाँ पे कितने सारे क्लाउड किचन आ गए हैं, क्या माहौल चल रहा है, आप खोलो आप कुछ भी ऑप्शन जोमेटो पे क्लाउड किचन। भाई मेरे को एक अच्छे रेटिंग वाला दिख रहा था क्लाउड किचन, उसका एक ऑप्शन आ रहा था मेक योर ओन पिज्जा, पता किसी को, इसमें आप टॉपिंग्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ये हैलेपिनोज ऑलिव्स वगैरह। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, मेरे को उस क्लाउड किचन से फोन आया कि भैया आपने पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने कहा, कह रहा हाँ फिर बनाने आ जाइए। उसने डिलीवरी वाला भेजा तो बांध के ले गया वो। कह रहा फंस गए हो तुम, आप स्क्विड गेम गुड़गांव था ये। मुंह से प्याज छीलो सिस्टम, मैंने कहा बहुत क्रेजी जगह है भाई गुड़गांव। अभी ठंड का समय चल रहा है, मैं गया एडिडास के शोरूम में, बहुत बड़ा शोरूम था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे गया है। मैंने स्टाफ से पूछ लिया कि भाई यहाँ पे अच्छा जैकेट कहाँ मिल जाएगा, कह रहा अच्छा जैकेट आपको नाइकी में मिल जाएगा। मैं भी वहीं का यूज़ करता हूँ। मैंने कहा तू पागल वागल है, मैं यहाँ एडिडास में आया हूँ, यहाँ पे क्या अच्छा मिल जाएगा। कह रहा यहाँ तो देखो भाई बस मैं ही अच्छा हूँ, और मैं खुद नाइकी जाना चाहता हूँ बहुत सालों से, मेरे को साले ले नहीं रहे वो लोग। मैंने कहा कैसी बकचोदी कर रहा मेरे साथ, ये सुबह सुबह तेरी कंप्लेन करूंगा, मैंने बोला उसको। मैं गया उसके मैनेजर के, मैंने कहा क्या तरीका है आपका, स्टाफ कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है मुझे। तो मैनेजर कहता है कि सॉरी सर दिस इज़ वेरी एम्बेरसिंग, आप एक काम करिए आप नाइकी चले जाइए, वहाँ प्रोफेशनल स्टाफ मिलेगा आपको। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, जैसे सिलेक्शन हो जाए निकल जाऊंगा मैं। पता है मैं अभी बाहर वॉशरूम के पास खड़ा था, और एक आदमी मेरे पास आता है सर, मुझे ऐसे कहता है कि ये कहाँ पे है, इसका क्या मतलब होता है बताइए मुझे। उंगली आप कौन से देश के हैं आप, कहाँ पे उंगली है सर, मुझे लग रहा है आप बताइए क्या मतलब है इसका। इसको यूजुअली यूरिनल्स, एकदम आपने तो एकदम पैथोलॉजी लैब वाली। ऐसा लगा मेरा कुछ टेस्ट वेस्ट चल जाएगा, यूरिन है भाई। बहुत दिनों बाद मेरे शब्द सुनाए। अच्छा अरे मैं समझ गया, हाँ लेकिन सही कह रहे हैं, ये ऐसा सूसू करने का सिंबल है, ऐसा भारत यूनिवर्सल सिंबल है ये सूसू करने का। मेरे को ऐसा लगता है सर कि जिसने भी ये सिंबल बनाया है सूसू करने का, उसका पक्का छोटा था। नहीं आप मेरी बात सुनिए, वो कोई भी उंगली चुन सकता था, इतनी सारी उंगलियां हैं, वो पैर की उंगली भी चुन सकता था, पर उससे बड़ा था उसका शायद। और मुझे ये भी लगता है कि पक्का वो कोई ना कोई इंडियन ही था, बिकॉज आई हैव हर्ड इंडियंस हैव स्मॉलर, आई थिंक अदर इंडियंस हैव, अपने को मैं नहीं काउंट करता उस, क्योंकि मुझे लगता है कि नाइजीरिया का आदमी ऐसे नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछ रहा है कि थैंक यू सो मच, माय नेम इज मोहन सिंह।